डेटा एंट्री का मतलब होता है डेटा को एंटर करना। आपके पास कोई भी लिस्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी पीडीएफ फाइल है, आप उसको कहीं पर एंटर कराते हैं, तो ये होता है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के लिए दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये कि जिस सॉफ्टवेयर में आप डेटा एंट्री करेंगे उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक्सेल में डेटा एंट्री करेंगे तो आपको एक्सेल चलाना आना चाहिए, और अगर आप एमएस एक्सेस में डेटा एंट्री करेंगे तो आपको एमएस एक्सेस चलाना आना चाहिए। अगर आप बैंक में कोई डेटा एंट्री का काम करते हैं तो बैंक का सॉफ्टवेयर आपसे यूज़ करना आना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस लैंग्वेज में आप डेटा एंट्री करेंगे वो लैंग्वेज भी आपसे आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में डेटा एंट्री करेंगे तो आपको इंग्लिश की सही जानकारी होनी चाहिए, वरना आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे और आपका काम बेकार जाएगा। तो आपको सॉफ्टवेयर की और साथ ही लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए डेटा एंट्री वर्क करने के लिए। अगर आप डेटा एंट्री वर्क करना जान लेते हैं तो आप इससे अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। आप किसी भी कंपनी, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डेटा एंट्री का काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन भी एज ए फ्रीलांसर डेटा एंट्री वर्क करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल में डेटा एंट्री का वर्क कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। RTO से मुझे काफ़ी सारे फॉर्म्स दी गई हैं जिनकी मुझे एक्सेल में डेटा एंट्री करनी है। उन फॉर्म्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल का इंजन नंबर, चेसिस नंबर और व्हीकल की रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर एंट्री करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर आप टाइटल डालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं RTO डेटा एंट्री। नीचे यहाँ पर हम टाइटल डालेंगे, सबसे पहले टाइप कर देंगे सीरियल नंबर, टैब प्रेस करेंगे तो आप न्यू कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं नेम, आपको हमेशा फर्स्ट जो है वो कैपिटल रखना है। टैब प्रेस करेंगे सेकंड में आ जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं फादर नेम, इसमें भी हम यहाँ पर इसको कैपिटल रखेंगे। टैब प्रेस करेंगे यहाँ पर हम डाल देते हैं DOB। टैब प्रेस करेंगे यहाँ पर हम डाल देते हैं एड्रेस, यहाँ पर हम डाल देते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसको हम शॉर्ट में REG. और यहाँ पर नंबर, यहाँ पर हम डाल देते हैं इंजन नंबर, और यहाँ पर हम डाल देते हैं चेसिस नंबर, साथ ही यहाँ पर हम डाल देते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट। ओके, तो यहाँ पर टाइटल आ गया है। अब जितना डेटा है उसी के हिसाब से हम कॉलम्स को यहाँ पर बड़ा करेंगे, उसका साइज बढ़ाएंगे। जैसे कि नेम है, इसका साइज ज़्यादा होना चाहिए, सीरियल तो छोटा होता है, उसको हम कम कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर्सर लाएंगे, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इस तरीके से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर DOB हम डालेंगे, यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ पर इंजन नंबर, यहाँ पर चेसिस नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट। इस तरीके से यहाँ पर पहले आप टाइटल डालेंगे डेटा एंट्री करने के लिए, कि आपको एंट्री करनी किस चीज़ की है। अब यहाँ पर हमें डेटा एंट्री करनी है, सबसे पहले यहाँ पर हम सीरियल नंबर जनरेट कर लेंगे। इसका तरीका मैंने आपको बताया है, 12 लिखेंगे, इसके बाद आप अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। जितना भी सीरियल नंबर आपको जनरेट करना है उतना आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 15 जनरेट करना है, तो यहाँ पर हम 15 तक लाएंगे और छोड़ देंगे, यहाँ सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा। दो तरीके से यहाँ पर आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। एक तो ये कि पहले आप सभी के नाम टाइप करें, उसके बाद सभी के फादर नेम, उसके बाद सभी की DOB, सभी का एड्रेस, इस तरीके से। लेकिन इसमें डेटा के मिसमैच होने का खतरा रहता है। हो सकता है कि जिसका यहाँ पर आपने नेम टाइप किया हो, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर किसी और की एंटर कर दे। तो इसलिए सेफ तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक एक पर्सन की ही एंट्री करिए। जैसे कि यहाँ पर हम एक पर्सन का नाम डाल देते हैं, यहाँ पर हम उसी का फादर नेम टाइप कर देंगे, यहाँ पर हम उसी की डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, और यहाँ पर हम उसी का एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर उसी का व्हीकल नंबर डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और डेटा मिसमैच यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हम इंजन नंबर डाल देते हैं, यहाँ पर चेसिस नंबर हम डाल देते हैं, और यहाँ पर व्हीकल की एक्सपायरी डेट हम डाल देते हैं 2025। इसी तरीके से यहाँ पर आप फिर दूसरे पर्सन की एंट्री करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं सेकंड नेम गौरव, यहाँ पर फादर नेम हम टाइप करेंगे, यहाँ पर हम इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ पर हम एड्रेस डाल देंगे, और यहाँ पर हम व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, यहाँ पर इंजन नंबर टाइप कर देंगे,
यहाँ पर चेसिस नंबर टाइप कर देंगे और यहाँ पर व्हीकल की एक्सपायरी डेट डाल देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम थर्ड पर्सन की डिटेल डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम डाल देंगे, यहाँ पर हम एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पर हम व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, यहाँ पर इंजन नंबर डालेंगे, यहाँ पर चेसिस नंबर डाल देंगे और यहाँ पर हम एक्सपायरी डेट डालेंगे। तो इसी तरीके से आप नीचे तक डेटा एंट्री करते जाइए, आप फॉर्म देखते रहिए या अगर आपको पीडीएफ दी गई है तो आप पीडीएफ देखते रहिए और यहाँ पर इसी तरीके से डेटा एंट्री करते जाइए। तो जैसे कि यहाँ पर हम इसको फिल कर देते हैं। इस तरीके से डेटा एंट्री पूरी करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ टाइटल को लेंगे और इसको यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करेंगे, थोड़ा साइज बढ़ाएंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। इसके बाद डेटा एंट्री टाइटल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम रेप टेक्स्ट कर देंगे, साथ ही यहाँ पर हम इसको सेंटर भी करेंगे, बोल्ड करेंगे और यहाँ पर सभी टेक्स्ट को हम चूज करेंगे और इसको हम सेंटर कर लेंगे। तो देखिए ये है आपकी डेटा एंट्री। अब इसको हम यहाँ पर एक बॉर्डर दे देते हैं, सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर बॉर्डर दे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ कट हो रहे हैं तो इस कॉलम को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, इस कॉलम को भी हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर आपकी डेटा एंट्री शीट बिल्कुल रेडी है और आप इसको सबमिट कर सकते हैं। डेटा एंट्री करने का दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर पहले आप टाइटल डाल दीजिए, जैसे कि हम डाल देते हैं RTO डेटा एंट्री और नीचे यहाँ पर जिन जिन फील्ड की आपको डेटा एंट्री करनी है वो आप डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर नेम, यहाँ पर हम डाल देते हैं फादर, यहाँ पर हम डाल देते हैं DOB और यहाँ पर हम डाल देते हैं एड्रेस और यहाँ पर हम डाल देते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर हम डालते हैं इंजन नंबर, यहाँ पर हम डाल देते हैं चेसिस नंबर और यहाँ पर एक्सपायरी डेट। यहाँ कॉलम को हम थोड़ा इसके हिसाब से बड़ा कर लेते हैं। डेटा एंट्री फील्ड टाइटल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ऑफिस बटन में जाएंगे, यहाँ पर एक्सेल ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टमाइज में जाएंगे, यहाँ से चूज कर लेंगे कमांड्स नॉट इन रिबन, इसको चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और फॉर्म ढूंढना है, यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है फॉर्म, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर ऐड हो चुका है, बस आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म आ चुका है, अब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे और देखिए आपको यहाँ पर सभी फील्ड्स मिल जाएगी, बस आप यहाँ पर डेटा एंट्री करते जाएंगे। जैसे कि हमने 1 टाइप किया, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर नाम डाल देंगे, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप फादर नेम डाल दीजिए, नीचे यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं, यहाँ पर आप एड्रेस डाल दीजिए, नीचे यहाँ पर आप व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर इंजन नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर चेसिस नंबर डाल दीजिए और नीचे यहाँ पर एक्सपायरी डेट डाल दीजिए। इसके बाद बस आप यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे और एक एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर सेकंड पर्सन का आप नाम डाल देंगे, यहाँ पर उसका फादर नेम डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, इंजन नंबर यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर चेसिस नंबर डाल देंगे और यहाँ पर एक्सपायरी डेट डाल देंगे। यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एक और एंट्री हो गई है। तो इस तरीके से जितनी चाहे आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, बस आप यहाँ पर डिटेल्स डालते जाइए, न्यू पर क्लिक करते जाइए, सारा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक एंटर होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर टाइटल को सिलेक्ट करिए, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर साइज बढ़ाकर बोल्ड कर दीजिए, यहाँ पर जो फील्ड टाइटल है इसको सिलेक्ट करिए, सेंटर करिए और यहाँ पर इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर कर लेंगे। इसके बाद आप इसको यहाँ पर एक बॉर्डर दे दीजिए, सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको बैंक अकाउंट्स की डेटा एंट्री करनी होती है और ऐसा तब होता है जब आप स्कूल कॉलेजेस में डेटा एंट्री वर्क करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे नेम, यहाँ पर हम डाल देंगे फादर नेम, यहाँ पर हम डाल देंगे एड्रेस, इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे बैंक नेम और यहाँ पर हम डाल देंगे IFSC कोड, यहाँ पर हम डाल देंगे अकाउंट नंबर, ठीक है। इस तरीके से फिर हम कॉलम को यहाँ पर बढ़ा लेंगे और हम यहाँ पर डेटा एंट्री करेंगे। उन्हीं दो तरीकों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर इन सब को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पर फॉर्म बन जाएगा। बस आप यहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर नाम डाल देंगे, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप फादर नेम डाल देंगे, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप एड्रेस डाल देंगे,
यहाँ पर आप बैंक का नेम डाल देंगे, नीचे यहाँ पर आप IFSC कोड डाल देंगे और यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। न्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर डेटा एंट्री हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अकाउंट नंबर आपने डाला तो यहाँ पर ये इस तरीके का हो गया है। तो आप यहाँ पर कॉलम को बड़ा करेंगे और साथ ही यहाँ पर शुरू में हमने जो जीरो लगाया था वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। चलिए मैं आपको दोबारा से टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ 09062011001125। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए अकाउंट नंबर यहाँ पर फुल नहीं आ रहा है और साथ ही इसके शुरू में जो जीरो था वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। तो इसका एक इलाज तो ये है कि आप यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, इसके बाद आप जीरो टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए अकाउंट यहाँ पर सही तरीके से आ चुका है। लेकिन अगर आपको बहुत सारी यहाँ पर डेटा एंट्री करनी है तो आप हर एक में अलग अलग कॉमा नहीं लगा सकते, उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो उसका इलाज ये है कि आप यहाँ पर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आपको फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, टेक्स्ट चूज करिए और ओके कर दीजिए। अब आपका जो कॉलम है ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप बड़े आराम से अपना अकाउंट नंबर टाइप कर सकते हैं, जैसे कि 09062011001125 एंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है और साथ ही जीरो भी यहाँ पर गायब नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आती है और साथ ही कंपनी में या कहीं पर भी जॉब करने वालों को भी ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी वो एक्सेल में स्टार्टिंग में जीरो लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0123456 और एंटर करते हैं तो जीरो गायब हो जाता है। तो इसका इलाज यही है कि आप यहाँ पर या तो कॉमा लगाकर एंटर कर दीजिए, जीरो यहाँ पर बाकी रहेगा, जैसे कि जीरो टाइप के एंटर और देखिए यहाँ पर जीरो है, या फिर आप यहाँ पर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल्स में जाइए, यहाँ पर टेक्स्ट चूज करिए और ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर कितने भी जीरो टाइप करिए, एंटर करेंगे तो जीरो यहाँ से गायब नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। किसी भी शीट को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे, पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए डेटा पूरा एक पेज पर नहीं आ रहा है तो यहाँ पेज लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन में आप लैंडस्केप चूज कर लेंगे तो देखिए डेटा यहाँ पर पूरा आ रहा है। अब आप यहाँ पर पेज को पहले सेटअप कर लेंगे, कितनी मार्जिन आप इधर उधर रखना चाहते हैं। इसके बाद आप जाएंगे प्रिंट में, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से प्रिंट होगा। सो इस तरीके से आप एक्सेल में किसी भी टाइप की डेटा एंट्री कर सकते हैं, चाहे वो RTO वर्क हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वर्क हो, किसी कंपनी का वर्क हो या किसी शॉप का वर्क हो, किसी भी तरह का डेटा एंट्री वर्क आप एक्सेल में इसी तरीके से करेंगे। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर फील्ड टाइटल डालेंगे, इसके बाद आप डेटा एंट्री करेंगे, या फिर आप यहाँ पर फॉर्म ले आएंगे और फॉर्म पर क्लिक करके आप यहाँ पर अलग अलग डेटा एंट्री कर सकते हैं। आप न्यू पर क्लिक करते जाइए और यहाँ पर आप अलग अलग डेटा एंट्री कर सकते हैं।